पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 जल्द ही छोटे पर्दे पर आने वाला है। शो का पिछला सीजन दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए मेकर्स ने इस बार कुछ अलग करने का मन बना लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बिग बॉस के घर में सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही एंट्री मिलेगी। ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बारे में जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। पिछले दिनों बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स की एक कथित लिस्ट लीक हुई थी, जिसमें 23 सेलिब्रिटीज के नाम शामिल थे। लेकिन अब आपको एक्सक्लूसिव बताने जा रहे हैं चार ऐसे नाम जो इस बार आपको बिग बॉस में देखने को मिलेंगे। साथ निभाना साथिया फेम गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य जी को बिग बॉस सीजन 13 के मेकर्स ने अप्रोच किया। हालांकि पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि देवोलीना ने अप्रोच के बाद इंटरेस्ट दिखाया है। टीवी एक्टर शिविर नारंग आजकल खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के लिए शूटिंग कर रहे हैं, मगर अब खबर आ रही है कि बिग बॉस 13 के मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया है। आपको बता दें कि पिछले सीजन के लिए भी शिविर नारंग ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया था। वहीं इस बार भी शिविर नारंग ने इस सीजन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और अब वह खतरों के खिलाड़ी के बाद बिग बॉस सीजन 13 में दिखाई देंगे। सोनी टीवी पर प्रसारित शो रावण के एक्टर पारस छाबड़ा को भी बिग बॉस के मेकर्स ने अप्रोच किया है। अब वह बिग बॉस सीजन 13 के घर में दिखाई देंगे। फेमस सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को भी बिग बॉस 13 के लिए अप्रोच किया गया है और उन्होंने भी इस सीजन के लिए दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य नारायण ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। तो ये थे दोस्तों चार वो बड़े नाम जो इस बार बिग बॉस के घर में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 सितंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।